चलिए बेटे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं बेटा। कल आप लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, एंड रिगार्डिंग दैट सेकंड लॉ आपने एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यहाँ पे आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आपको मिल गया था, उसको हमने बोला था यूनिटी है। अगर मैग्नीट्यूड ले लें बेटा, वेक्टर साइन छोड़ दें, आपका फोर्स जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी कैन मैनेज इन दिस वे। और अब अगर मैं बेटे इस डी टी को शिफ्ट कर दूं इस साइड पे, आई विल बी हैविंग दैट दिस डी पी दिस इज इक्वल टू एफ इन टू डी टी बेटा। इंटीग्रेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आपको पता लग गया इंटीग्रेशन क्या होता है। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए रिलेशनशिप को बेटा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स बेटे। जब आप दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कंप्लीट करोगे, आपके पास आ जाएगा जी इंटीग्रल डी पी इट इज इंटीग्रल एफ एंड डी टी। और इनिशियल मोमेंटम को हम जनरली बेटा पी वन एंड फाइनल को बेटे पी टू कहा करते हैं ना बेटा। और आपका फोर्स इस केस में कांस्टेंट है, एंड इमेजिन दैट टाइम आपका जीरो से टी सेकेंड तक का आपको इस मोमेंटम की चेंज में लग गया बेटा। नाउ बेटा जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे सहज, डीपी का इंटीग्रल बेटे कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ डीपी बेटा इट विल बी पी। जैसे डी ऐसे ही है ना, जब आप इंटीग्रल ऑफ डी एक्स करते हो तो ये आपके पास, आप इसको ऐसे लिखते हो ना, एक्स रेस टू पावर जीरो डी एक्स समथिंग पावर जीरो आपका वन होता है बेटा, है ना बेटे। और फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे एक्स रेस टू पावर जीरो प्लस वन, वन ही रह गया, डिवाइडेड बाई वन इट विल बी एक्स बेटा। तो यहाँ पे डी पी आप जब लिखोगे इंटीग्रल ऑफ डी पी करोगे कंप्लीट, इट विल बी पी रेस टू पावर जीरो डी पी आप कर सकते हो ना बेटा, समथिंग पावर जीरो वन होता है। सो इट विल बी यूर पी रेस टू पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन इट विल बी इक्वल टू पी। आप कुछ इस तरीके से बेटा सोच सकते हो, राइट। सो आइए मैं आपको आगे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दूं इसको बेटा। इंटीग्रल ऑफ डी पी इज गोइंग टू बी योर बेटा स्मॉल पी, लिमिट्स आप पी वन से पी टू तक कर सकते हो बेटा, एंड एफ आपका कांस्टेंट था, आप इसको एक स्टेप यहां पर ही ऐसे एडजस्ट कर लीजिए जीरो टू पी डी टी करके। डी टी का इंटीग्रल जब आप परफॉर्म करोगे इट विल बी टी रेस्ट पर जीरो डी टी, टी रेस्ट पर जीरो को आप टी रेस्ट पर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन लिख लोगे, अगेन दैट विल बी इक्वल टू योर एफ आपका ऐसे ही रह गया बेटा ये वाला, डी टी का इंटीग्रल टी जीरो टू टी आपने कर दिया। अब आप बेटे लोअर और अपर लिमिट्स यूज करके इसको थोड़ा सा अमेंड कर लीजिए, इट विल बी पी टू माइनस पी वन, एफ आपका एस एच रह गया, इट विल बी टी माइनस जीरो, एंड दिस इज योर पी टू माइनस पी वन इट इज इक्वल टू एफ इन टू टी। बट आप अच्छे से जानते हो एफ इन टू टी हमने इम्पल्स बोला था, सो आपका इम्पल्स जो है इट इज फोर्स इन टू टाइम एंड इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम। अगर आपको वेक्टर डालना है तो आप बेटे डाल भी सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो वी विल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम से दैट, या आप ऐसे कह लीजिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है इट बेटा स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट इम्पल्स इज इक्वल टू change in the momentum to the change in the momentum। ठीक है जी बेटे, so we will simply say that impulse is equal to the change in the momentum। इस चीज को बेटे आप graphically भी depict कर सकते हो,
आइए देखें ग्राफिकली आप क्या कर सकते हो। आपने एक वर्टिकल एक्सिस चूज किए, इन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपने फोर्स, और आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस चूज किए, इन एक्सिस पे आपने टाइम लिया, ओरिजिन आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप इस रिलेशनशिप को देखो, इस वाले को ध्यान से, हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर देता है कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर आप फोर्स को इंक्रीज कर दोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। इनका प्रोडक्ट है ना जो बेटा, ये चेंज इन द मोमेंटम के बराबर है। जितना मोमेंटम में चेंज आया वो तो कांस्टेंट ही है आपका, मोमेंटम का चेंज तो बदलने वाला है नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, आपका एफ इंटू टी जो है इस चीज का जो प्रोडक्ट है, बिकॉज इट इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विद ए फिक्स्ड वन, कांस्टेंट वन। इट विल मीन दैट कि अगर आप एक बहुत बड़ी फोर्स छोटे टाइम के लिए लगा दोगे तो आपको सेम चेंज इन द मोमेंटम मिल जाएगा उस चीज के कंपैरेटिवली, जब आप छोटी फोर्स को ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे। जैसे ये कल नेल की बात कर रहे थे हम, आपके पास एक 10 किलोग्राम का हैमर है, आप एक बार बहुत जोर से स्ट्राइक कर देते हैं तो नेल जो है इट विल गेट इनटू द वॉल। अगर आपके पास हैमर बड़ा नहीं है, 1 किलोग्राम का हैमर है या 2 किलोग्राम का हैमर है, आपको बार 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 स्ट्राइक करना पड़ेगा। आपकी स्मॉल फोर्स दैट विल बी अप्लाइड फॉर ए लार्ज टाइम, एंड द सेम कैन बी बिटी डिपिक्टेड इन दिस वे ऑल्सो कि आपका ये फोर्स जो है, लेट अस इमेजिन दैट ये आपका फोर्स बेटे F1 है और आपने इसको T1 टाइम के लिए बेटे अप्लाई किया, ठीक है बेटा, और फिर आपने क्या किया, फोर्स इंक्रीज कर दिया, फोर्स आपने मान लीजिए इतना ज्यादा कर दिया है और आपका टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। लेट दिस टाइम बी T2 और ये आपका फोर्स था। इन जनरल ये वाला फोर्स आप बोल दीजिए F2 के बराबर है। So I just mean to say that F1 into T1 आपका F2 into T2 के बराबर है, because F into T आपका बेटा fixed था। आप कह सकते हैं force is inversely dependent upon time। अगर time कम है force ज्यादा apply करनी पड़ेगी आपको, अगर time ज्यादा है तो थोड़ी force से आप अपना काम चला सकते हो। So this is what your impulse momentum theorem beta it states beta, right beta dear children, pata chal gaya sabko, theek hai ji, iske chaliye note kar lijiye fir aage chalte hain beta। ek aur bhi baat aap keh sakte ho ki ye dono areas barabar hain, ye wala area ये इस एरिया के बराबर रहेगा। ये आप कुछ नाम रख सकते हो इसका, ओ ए बी सी, ओ डी ई एंड एफ बेटा, बिकॉज आपका फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट बराबर है बेटा। दैट इज व्हाई वी विल से दैट कि ये आपके जो दोनों हैं एरिया, कौन सा एरिया है, ओ ए बी सी, दिस इज इक्वल टू एरिया ओ एंड देन डी ई एंड बेटे एफ, जस्ट बिकॉज आपके इंपल्स दोनों केसेस में सेम है, फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट आपका बेटा सेम है। क्लियर बेटा? इसके बाद बेटे हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखो तो CBSE ने काफी चेंजेस कर दी हैं। एक कनेक्टेड मोशन वाला टॉपिक उड़ा दिया, कट कर दिया आपका सिलेबस में, पहले हुआ करता था, हम बहुत करते थे, और एक एटोड्स मशीन और जिसको आप बोल दे तो लिफ्ट और एलिवेटर, वो भी सिलेबस में नहीं आई, बस जस्ट बी यू सिलेबस, और रॉकेट प्रोपल्शन वेरिंग मास सिस्टम का भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो अकॉर्डिंगली इसके बाद फिर हमारा बेटे जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट जो है, आई विल बी डायरेक्टली ऑप्टिंग फॉर दैट बेटा।
सो आइए एक बार सिलेबस आप लोग भी देख के रहा करो बेटा, ठीक है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट, और उसकी एप्लीकेशंस भी बेटे सिलेबस में है। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसकी एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रिकॉइल ऑफ द गन है, और बाकी छोटी मोटी और भी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेटे क्या है और हम कैसे देख सोच सकते हैं इसके बारे में। ये जो प्रिंसिपल है बेटा, इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट मोमेंटम, द नेट मोमेंटम remains conserved, remains conserved का मतलब है constant रहता है। इसके प्रूफ के रिगार्डिंग बेटी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इमेजिन कर लो एक बॉल आपको दिया गया है ये, और इसका नाम आपने ए रखा, मास इसका स्मॉल एम वन है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी यू वन, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ये मूव कर रहा है। यहां पे एक और आपने बॉल इमेजिन कर रखा है, दिस इज अनदर बॉल नेम्ड एज बी, एम टू इसका मास है, यू टू इसकी बेटा वेलोसिटी है, दोनों सेम ही लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। अगर आपका स्मॉल यू वन यू टू से मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा तो ये इसके साथ कोलाइड कर जाएगा, क्योंकि ये स्पीड इसकी ज्यादा है सेम डायरेक्शन में। एंड अगर ये बेटी कोलाइड करेगा तो यू कैन सी दिस इज अ कोलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू ए एंड बी। और न्यूटन थर्ड लॉ मैं थोड़ा अगर बेटी इंट्रोड्यूस करूं यहां पर, न्यूटन थर्ड लॉ, ये बेटे हमें कह देता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। बेटा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड the two act on the different beta bodies, meaning इसका ये हुआ बेटा, जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल सर्फिस इमेजिन किया है, टेबल पे आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी बेटा, और जो रिएक्शन होगा दैट विल बी ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्शन ये है, ये टेबल की सरफेस पे लग रहा है एक्शन, रिएक्शन इसके अपोजिट है, ये इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हम कभी भी किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते कि एक्शन एंड रिएक्शन क्योंकि अपोजिट हैं तो दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर्स इफेक्ट, ऐसा नहीं है, बिकॉज वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। अगर सेम बॉडी पे एक्ट करते होते फिर कैंसिल हो जाने थे, लेकिन ये अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करते होने की वजह से कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ये आइडिया मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। आइए देखें, ए बॉडी जब बी बॉडी के साथ बेटे कोलाइड करेगी, या ए बॉल जब बी बॉल के साथ कोलाइड करेगी, तो इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉल बी ड्यू टू द बॉल ए इन दिस डायरेक्शन। आप इसको एफ बी ए नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए,
और बदले में रिएक्शन क्या मिलेगा, इट विल बी द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज द रिएक्शन टू दिस पर्टिकुलर एक्शन बेटा। समझ आई बात बेटे? अब कोलाइड करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट ए जो है एम वन जिसका मास था ये वी वन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, और आपका जो ऑब्जेक्ट बी था ये मास एम टू वाला ये वी टू वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है आफ्टर द कोलिजन। डायग्राम बेटे समझ आ गया? अब हम बेटे क्या करते हैं इस केस में देखिए, जब आपने इनिशियली अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाया, अब ये दोनों ही मूव कर रहे हैं उसके बाद तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ये तो अपने आप ही कोलाइड कर रहे हैं, एंड वी कैन से दैट बेटा इस केस में आपका फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी। जरा चेक करिए, ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाता है बेटा, एक आपका एक्शन हो जाएगा बेटा और दूसरा आपका बन जाएगा जी रिएक्शन। जरा चेक कर लीजिएगा बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये आपको समझ में आ गया? यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन बेटा, ठीक। अब बेटे देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने कल बड़ी डिटेल में किया था, उसमें आपने कहा था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बेटा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, दिस इज द फोर्स ऑन बी, बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो मोमेंटम में चेंज भी बी का ही हम लेंगे, जिस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रही है फोर्स भी तो उसी बॉडी पे लग रही होगी, इसका मतलब ये तो है नहीं किसी और बॉडी की बात कर रहे हैं हम। अगर ये बी पे फोर्स लगी है तो वी विल से दैट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आ गया, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए बेटा, ये भी आ गया, ठीक। आप मान लीजिए टाइम कोलिजन में टी के बराबर लग गया, नमन बेटे बी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है? हाँ जी नहीं, बी बॉडी यस एम टू वी टू फाइनल मोमेंटम बी बॉडी का माइनस एम वन सॉरी एम टू यू टू, ये इसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक। एंड जैकलिन बेटा ए बॉडी के मोमेंटम में चेंज। डायग्राम से देख के बताओ सर, एम वन बी वन माइनस एम वन एन वन। दोबारा बोलो दिया, ठीक ठीक ठीक, एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइडेड बाई टी, ऐसे कर दूं बेटा, टी आपका कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड पे कॉमन था, इट इज एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वन वी वन माइनस माइनस प्लस एम वन यू वन आ गया बेटा। एक बार रीअरेंज कर ले टर्म्स को, ये U2 वाली टर्म इधर ले जाओ, V1 वाली इस तरफ ले आइए, आइए देखें, इट इज M2 V2 प्लस M1 V1 इज M1 U1 प्लस M2 U2। जरा चेक करिएगा, ऐसा है, ये दोनों बॉडीज का फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन। तो यही बात आप साबित करना चाहते थे कि आपका फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहे,
जब आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करें, या आप ऐसे कह लीजिए आपके ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब बेटा। क्लियर जी बेटे सारे स्टूडेंट्स को? हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? वैसे मुश्किल लग नहीं रहा, ऐसे है ही नहीं, है सिंपली आइडिया। इसके बाद इसकी बेटे एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, दैट इज रिकॉइल ऑफ द गन। आइए उसको भी एक बार करके देखें। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिकॉइल ऑफ द गन एंड ऑल दैट? सो आइए देखें, रिकॉइल ऑफ द गन क्या है? इट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा, रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन बेटा। इसमें आप एक इमेजिन कर लीजिए बेटे, आपके पास एक ये गन है, और ये गन हमने मान ली, गन का मास कैपिटल एम, इसके अंदर एक इमेजिन कर लीजिए बुलेट है, छोटा सा शेल है, इसका मास स्मॉल एम। बिफोर फायरिंग आपका गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, और आफ्टर फायरिंग क्या है, आपका जो बुलेट है इट स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी स्मॉल वी, और कैपिटल वी जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन रादर द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बेटा। अगर हम फायर नहीं करते हैं बिफोर फायरिंग, इनिशियल मोमेंटम आपके सिस्टम का कितना होगा? गन का मास गन की वेलोसिटी, ठीक, प्लस बुलेट का मास एंड उसकी वेलोसिटी, जीरो आ गया ये सारा। जब आपने फायर नहीं किया इनिशियल मोमेंटम इज टर्निंग आउट टू बी जीरो। आफ्टर फायरिंग बेटा पी फाइनल आपके पास कितना आ गया जी? मास ऑफ द गन velocity, sorry, mass of the bullet, velocity of the bullet, mass of the gun, velocity of the gun. आप इसको equation number one and let us say this is equation number two. जब आप इसका trigger press कर रहे हो आप बेटे सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर एक spring होता है उसको disable कर रहे हो, आपने इस bullet पर कोई directly push नहीं apply किया, इसमें एक स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस किया हुआ होता है और यहाँ ये जो आपका ट्रिगर है उस स्प्रिंग को ऐसे टाइट करके रखता है, जब आप इसको दबाते हो तो ये स्प्रिंग, ये जो हुक है ये ऐसे हो जाती है और स्प्रिंग खुल जाता है। मतलब कहने का ये है कि आपने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया डायरेक्टली बुलेट पे, आपने सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको रिलीज कर दिया है। सो यहाँ पे बिकॉज आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कोई भी नहीं है, इनिशियल मोमेंटम विल हैव टू बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दो और आपको ये पता चल जाएगा एम इंटू वी प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी मस्ट बी जीरो, और आपका एम इंटू वी मस्ट बी एम इंटू वी एंड कैपिटल वी इट मस्ट बी माइनस एम बी अपॉन एम। आप वेक्टर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन बताता है कि कैपिटल वी की डायरेक्शन स्मॉल वी के अपोजिट होगी और आपका गन जो है इट विल किक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अगर बुलेट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है तो। इसमें
एक और पॉइंट बेटे नोटिस करने वाला है, अगर आप इस डिनोमिनेटर में कैपिटल एम पे फोकस करो, दिस इज द मास ऑफ द गन। आपको जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई द सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू होल्ड द गन टाइटली विद देयर शोल्डर्स। जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, मे बी पुलिस फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको गन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है कुछ टाइम के लिए, और वहां पे उनको बताया जाता है कि वो इस गन को अपने ये शोल्डर्स के साथ टाइटली पकड़ के रखेंगे, देन ऑपरेट करेंगे। रीजन बीइंग कि जब आप इस गन को अपने शोल्डर्स के साथ टाइटली पकड़ोगे, ये गन और आपकी बॉडी एक सिस्टम हो जाएगा, आपकी बॉडी और गन एक चीज बन गई, और उससे क्या होगा, ये वाला मास बहुत बढ़ जाएगा, इसमें आपकी अपनी बॉडी का मास ऐड हो गया है अब। और अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो कैपिटल बी जो है इट विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, और जो पर्सन गन को ऑपरेट कर रहा है उस पर्सन को ज्यादा इंजरीज फेस नहीं करनी पड़ेगी गन ऑपरेट करने पे। अदरवाइज अगर आप लाइट हैंडेडली गन को ऑपरेट करोगे तो हमारे हैंड में फ्रैक्चर भी हो सकता है, बिकॉज गन बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा किक बैक करता है। और इसीलिए आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि जो आपके बॉर्डर एरियाज के साथ रिलेटेड पिक्चर्स या मूवीज बनी हुई हैं, उनमें कभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो गन है, कैनन जिनको आप बोलते हो, उनके वो टायर खोल के रख देते हैं साइड पे, देन ऑपरेट करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जब ग्राउंड पर उनको वो फिक्स कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, पूरी की पूरी अर्थ और वो कैनन या बहुत बड़ी गन जो है वो एक चीज बन जाती है। और आपने तब भी देखा होगा, इवन देन ए लॉट ऑफ डस्ट एंड स्मॉल पेबल्स आर थ्रोन अवे व्हेन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैवी गन इज ऑपरेटेड इन दोज पर्टिकुलर एरियाज। सो दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन दैट बेटा कि अगर आप हैवी अपना ऑब्जेक्ट रखोगे, कैपिटल एम बढ़ जाएगा, रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी, और गन को ऑपरेट करने पे इंजरी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इट इज समथिंग लाइक दैट। क्लियर हो गया बेटे सारे स्टूडेंट्स को? इधर अंजलि, ख्याति, राघव एंड अप टू हरमन। ओके ठीक है बेटा। इसके बाद बेटे ये तो चलो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, छोटी छोटी दो तीन और एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें, आइए पहले मैं उनको बेटे एक बार सिस्टमेटिक वे से लिख लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू यू इन डिटेल। आप हेडिंग लिख सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा पहला है बेटा, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल टेकिंग ए कैच। दूसरी बात, शॉकर्स आर प्रोवाइडेड टू द व्हीकल्स, शॉकर्स ये देखिए लगे हुए हैं शॉकर्स आपके व्हीकल्स में, शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल्स, ग्लास और चाइना वेयर आर रैप्ड इन स्ट्रॉ, ग्लास वेयर और चाइना वेयर आर रैप्ड इन स्ट्रॉ, स्टिल वन मोर इज देयर, ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए सीमेंटेड स्टोर गेट्स मोर इंजरीज, ए पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट्स मोर
इंजरीज बेटे। ये ऐसा क्यों है बेटा? इन सब के पीछे आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही एप्लीकेबल है। एक मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें क्रिकेट प्लेयर्स की, ये बॉल आ रहा है क्रिकेट प्लेयर की तरफ और क्रिकेट प्लेयर उसको, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है एंड हियर इज दैट प्लेयर, उसने हैंड्स में बॉल को पकड़ा कैच करने के लिए। पकड़ने के बाद वो अपने हैंड्स को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, यहां तक लेके जाते हैं आफ्टर टेकिंग द कैच। ये जब बॉल उनके हैंड्स के साथ आकर टच किया, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी स्मॉल यू के बराबर है, कुछ भी हो सकती है, और जब उसने अपने हैंड्स लोअर कर लिए, यहां तक ले गए प्लेयर, वेलोसिटी वी फाइनल जीरो हो गई क्योंकि कैच हो चुका है। यहां से यहां आने तक टाइम टी के बराबर का लग गया, और अकॉर्डिंग टू बेटा सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन टी है। अब ये तो आपका जीरो ही है, आप कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस एम इंटू यू अपॉन टी है, या आपका फोर्स जो आपके हैंड्स पे लगेगा इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। अब ये बॉल की कितनी स्पीड है ये इस प्लेयर के हाथ में नहीं, वो तो जो खेल रहा है बैट्समैन उसके हाथ में है कि उसने कितनी जोर से बॉल को स्ट्राइक किया है। दिस प्लेयर हैज नथिंग टू डू विद दैट बेटा। तो फिर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जिसके साथ वो ये इसके हैंड्स को टच कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, दैट इज फिक्स्ड। फोर्स इनवर्सली टाइम पे डिपेंड करी, दिस इज टाइम ऑफ कैच, इसको बोल देते हैं टाइम ऑफ कैच। अगर टाइम ऑफ कैच डिनोमिनेटर वाला ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो एफ कम हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो एफ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्रिकेट प्लेयर्स जब अपने हैंड्स को लोअर कर लेते हैं तो लोअर करने से क्या होता है कि टाइम ऑफ कैच बढ़ जाता है और प्लेयर्स के हैंड्स पे इंजरीज नहीं होती। जो बहुत दूर से कैच आते हैं उनमें तो स्पेशली नहीं होती, लेकिन जो बिल्कुल वो खेलने वाले पर्सन के पास होते हैं उनकी फिंगर्स आप कभी देखना, टीवी पे दिखाते हैं कभी टेबल उन्होंने रैप किया होता है, कभी कुछ होता है, फिंगर्स इंजर्ड ही रहती हैं। रीजन बीइंग कि वहां पे टाइम ऑफ कैच बड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए आप जैसे मेरे नजदीक बैठे हो, मैं एकदम से ये चौका पीस जोर से थ्रो कर दूंगा तो आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा ही नहीं, यू विल हैव टू कैच इट डायरेक्टली। तो उस केस में टाइम ऑफ कैच बहुत कम पड़ जाएगा और पर्सन के हैंड्स पर इंजरीज के लिए a lot of force will be acting और injuries उसके हैंड को हो जाएंगे। So this is how we can explain this beta। Shockers क्या काम करते हैं? आपके स्कूटर मोटरसाइकिल एक्टिवा या इवन साइकिल के सीट के नीचे भी दो स्प्रिंग लगे रहते हैं। जब आप राइडर व्हीकल चलाते हैं तो जो जर्क को राइडर तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, ये टाइम को शॉकर जो है इंक्रीज कर देते हैं। द टाइम टेकन बाई द जर्क्स टू रीच अप टू द राइडर इज इंक्रीज बाई द शॉकर्स, और उससे जो राइडर है उसको अनकंफर्टेबल या इंजरीज नहीं होती हैं, अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। ग्लास और चाइना वेयर आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके घर में आपने कोई ग्लास के बने हुए आर्टिकल्स मंगवाए हैं या कोई चाइना वेयर मंगवाए हैं तो उसको उन्होंने स्ट्रॉ के पीसेस में रैप किया होता है ताकि टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो बढ़ जाए और वो आपस में जब टकराएं वो ब्रेक ना हो जाए। जब टकराएंगे आपस में तो टाइम ऑफ इंपैक्ट, अगर बीच में स्ट्रॉ है तो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाएगा ना बेटा, और उससे क्या होगा, एफ कम होगा और ये सेफ रहेंगे। एक पर्सन है, उसने एक हीप ऑफ सैंड पर छलांग लगवा दी फर्स्ट फ्लोर से, सैंड विल यील्ड अवे, टाइम टी बढ़ जाएगा और उस पर्सन के ऊपर कोई भी ज्यादा एडवर्स फोर्स एक्ट नहीं करेगी।
और दूसरा पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे छलांग लगा देता है, तो वहां पे तो इसने तो यील्ड करना नहीं फ्लोर में, तो वो पर्सन एकदम रेस्ट पे आ जाएगा, टाइम टी विल बी वेरी वेरी लेस बेटा, और उस पर्सन को सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, राइट बेटा? इनको एक बार ध्यान से पढ़िएगा बेटा, थैंक यू ऑल, बाकी कल करेंगे।